क्यों की थी गीतिका ने खुदकुशी, क्यों आया था गोपाल कांडा का नाम, विवादों में क्यों फंसी एयरलाइंस कंपनी, गीतिका शर्मा सुसाइड केस की दास्तान। दिल्ली की बहुचर्चित एयर होस्टेस गीतिका शर्मा सुसाइड केस में 11 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा को जहां मामले में राहत मिली है, वहीं गीतिका के परिवार को झटका लगा है। फैसले के बाद गोपाल कांडा हाथ जोड़ते दिखे, हालांकि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जनसत्ता की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या था गीतिका शर्मा सुसाइड केस और क्यों इसमें फंसे थे विधायक गोपाल कांडा। गीतिका शर्मा की खुदकुशी। मैंने अपनी जिंदगी में गोपाल कांडा से बेशर्म इंसान नहीं देखा, वो हमेशा झूठ बोलता है। गोपाल कांडा एक फ्रॉड है और हमेशा लड़कियों के प्रति गलत नजर रखता है। 11 साल पहले दिल्ली की एक एयर होस्टेस ने सुसाइड किया और ये नोट सामने आया। हरियाणा के विधायक गोपाल कांडा पर दिल्ली की एयर होस्टेस गीतिका शर्मा ने मरने से पहले गंभीर आरोप लगाए। पुलिस जांच करती रही, केस चलता रहा और अब आखिरकार कोर्ट ने गोपाल कांडा को इन आरोपों से बरी कर दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो विधायक के पक्ष में फैसला सुना दिया और अब सालों पुराने इस केस से आजाद हो चुके हैं विधायक गोपाल कांडा। 2012 का चर्चित केस। साल 2012 अगस्त के महीने की 5वीं तारीख दिल्ली की रहने वाली एक एयर होस्टेस की सुसाइड की खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। बेहद खूबसूरत सी 21 साल की इस लड़की ने पंखे से लटक कर सुसाइड कर लिया था। सुसाइड से बड़ी खबर थी वो सुसाइड नोट जिसमें लिखा था गोपाल कांडा का नाम। गीतिका शर्मा दिल्ली की रहने वाली एक एयर होस्टेस थी। गोपाल कांडा की एक एयरलाइंस कंपनी थी जिसका नाम था मुरलीधर लखराम या MDLR कंपनी। गीतिका शर्मा ने इस कंपनी में एयर होस्टेस के रूप में ज्वाइन किया था। गीतिका की तेज तरक्की। बेहद कम समय में गीतिका इस कंपनी में काफी तरक्की करने लगी थी। एक के बाद एक कई प्रमोशन गीतिका को मिले, यहां तक कि खुद गोपाल कांडा ने गीतिका का जन्मदिन भी धूमधाम से फार्म हाउस में मनाया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन धीरे धीरे गीतिका परेशान होने लगी। वो इस कंपनी को छोड़ने की प्लानिंग करने लगी। कुछ समय बाद गीतिका ने कांडा की एयरलाइंस कंपनी छोड़ भी दी और दुबई चली गई। बाद में फिर एक बार गीतिका ने गोपाल कांडा की कंपनी ज्वाइन की, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने सुसाइड कर लिया। गोपाल कांडा के अलावा अपने सुसाइड नोट में गीतिका ने कंपनी के मैनेजर अरुणा चड्ढा को भी जिम्मेदार ठहराया था। गीतिका के मां ने भी की थी सुसाइड। गीतिका के सुसाइड के करीब 6 महीने बाद गीतिका की मां ने भी सुसाइड कर लिया। गीतिका की मां ने अपने सुसाइड नोट में गोपाल कांडा को अपनी आत्महत्या का जिम्मेदार ठहराया। गीतिका शर्मा केस में फैसला आ चुका है, जबकि उनकी मां का सुसाइड केस अभी बाकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और खबरों की तह तक पहुँचने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।